हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज तो कोई ब्लॉग का वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक लेवेलियर माइक। मोनो कंपनी का माइक्रोफोन है, तो आज हम उसी का अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं अपने ब्लॉग को शूट करने के लिए ये माइक्रोफोन को ऑर्डर किया हूँ, जिससे थोड़ी सी आवाज़ की क्वालिटी अच्छी हो जाए। अभी तो मैं फोन से ही ब्लॉग बना रहा हूँ, तो जैसा कि आपको पता ही होगा अभी शुरुआत है। आगे अगर रिस्पांस अच्छा आया तो मैं फोन से कैमरे पे स्विच करूँगा। तो अभी मैं एक लेवेलियर का माइक्रोफोन है उसे ऑर्डर किया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज उसका अनबॉक्सिंग। तो ये रहा, मैंने अमेजोन से मंगवाया है, तो आप देख सकते हैं मोनोमो का लेवेलियर माइक्रोफोन है। तो आज हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। ये रहा मोनो माइक और ये रहा इसका यूएसबी पोर्ट जो है एडाप्टर, और ये रहा क्लिप, एक और क्लिप, दो दो क्लिप मिला है इसमें, और ये क्या, ये पता नहीं क्या है, बाद में इसको देखेंगे। तो और क्या है इसमें, ये रहा उन लोग का विजिटिंग कार्ड रहा और कुछ है, और ये यूजर मैनुअल कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो इन दोनों को साइड में हटाते हैं, अब कुछ नहीं है। तो इसका पैकिंग तो बहुत अच्छा है, देखिए इस पे लोगो भी बना हुआ है। देखते हैं इस पे, इसका जो लेंथ है वायर का वो है 2 मीटर, 2 मीटर से ज्यादा ही है, लेकिन इस पे 2 मीटर मेंशन है, मैंने चेक किया है ये 2 मीटर से ज्यादा है, जैसा कि आप देख सकते हैं इतना लंबा है। मैंने इसे इसलिए लिया है ताकि मेरी रिकॉर्डिंग के वक्त जो बाहरी नॉइज होता है उसको थोड़ा रिड्यूस कर सके, और मेरा जो आवाज है खुद का आवाज उसको थोड़ा हैवी बना सके। तो मैं ये एडाप्टर लगा के अपने फोन में यूज करने जा रहा हूँ, तो आप लोग देखिएगा। अभी तो मैं विदाउट माइक इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट अब जा रहा हूँ माइक को लगाकर फिर उसको यूज करने। ओके, तो बस यही कुछ था इसमें और कुछ नहीं था। अभी मैं माइक लगा के यूज कर रहा हूँ, और आप लोग जैसा कि आवाज की क्वालिटी भी देख चुके होंगे, पहले आवाज थोड़ा धीमा था, अब थोड़ा अच्छी क्वालिटी हो गई होगी आवाज की। तो फिर दिखाते हैं आगे और क्या है। बस इसमें तो ये 2 क्लिप था, और एक ये माइक था, और एक एडाप्टर पिन था। बाकी पैकिंग तो इसकी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। इसका रिव्यू मैं फिर अगले वीडियो में बताऊंगा, इसको थोड़ा यूज करके कि कैसे इसकी आवाज की क्वालिटी आ रही है, आपको लेने लायक है कि नहीं। तो आपने देखा अभी अनबॉक्सिंग माइक्रोफोन का। तो अभी हम लोग ने तो अनबॉक्सिंग कर लिया, आपको जो भी था इसका डिटेल वो तो मैंने आपको दे दिया है, और अगर आपको भी परचेज करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट अमेज़न के वेबसाइट पे चले जाएंगे और फिर वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और कुछ नहीं है, और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। वैसे तो आप रिव्यू देख ही चुके हैं, आपको आवाज़ की क्वालिटी भी पता चली गई होगी कैसे इसकी आवाज़ की क्वालिटी आ रही है। तो और कुछ तो नहीं है इसके बारे में बताने के लिए। वैसे मेरे ख्याल से तो इसकी आवाज़ की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, बजट में है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है ना ज़्यादा सस्ता है, 350 रुपये का है बस, और 350 रुपये मुझे लगता है ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो आप लोग को जो भी चाहिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, अगर आपको इसमें का चाहिए होगा तो। बाकी बने रहिए, आज तो अपने ब्लॉग के लिए एक इक्विपमेंट तो ले लिया मैं, और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक बने रहिएगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, अगर अच्छा लगा यह वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला वीडियो ब्लॉग का होने वाला है, जो कि मैं बाहर जाऊंगा तो शूट करूंगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो बने रहिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब तक के लिए बाय।